ओम शांति। हम ऐसे समय पर खड़े हैं अथवा उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर जरूरत है समय को देखते हुए, सिचुएशंस को जानते हुए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग देते हैं, समझ देते हैं, और समझ देने के साथ साथ उस वस्तु को यूज किस प्रकार से करना है, उसका सदुपयोग क्या है, वो वैल्यू सिखाते हैं अथवा मैनर्स सिखाते हैं। ये है पेरेंट्स की विजडम, बच्चों को राइट गाइड्स देना, गाइड करना, हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार से समझाना, धैर्य से समझाना। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा, एक्चुअली एवरी डे समथिंग इज न्यू, टाइम चेंज होता है, तो उसमें न्यू मेथड्स ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं। और किन किन बातों में न्यूनेस ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रीति से होती है, जैसे कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। बेबी जन्म लेता है, बड़ा होता है, यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड है, तो उसकी विजडम उस अनुसार डेवलप होती है, अथवा ये कहें पहले ब्रेन डेवलप होता है, वो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ माइंड भी काम करना शुरू करता है। परंतु जब विजडम की बात आती है उसमें थोड़ा और गहराई चाहिए। एजुकेशन इंफॉर्मेशन देता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है बाहर क्या हो रहा है। एजुकेशन है हर चीज की जानकारी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जिसमें अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। एवरी डे को हम किस प्रकार से, एवरी डे व्यवहार हमारा कैसा हो, हमारा एक दो के साथ एक लेन देन किस प्रकार से हो, वैल्यूज किस प्रकार से यूज करें, टाइम किस प्रकार से यूज करें, ये समझ मिलती है। पर जहाँ विजडम की बात आती है वो और थोड़ा मैच्योरिटी उसमें चाहिए। इसीलिए कोई बुजुर्गों के लिए कहते हैं कि मैंने बाल कोई धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, अनुभव से किए हैं। तो अनुभव विजडम, अनुभव भी है परंतु वास्तव में विजडम तो एक गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है, अगर हम ठीक रीति से बचपन से यूज करते हैं तो। वह क्या है विजडम? ज्ञान, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ये लेवल है नॉलेज के। फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत है दुनिया में, वो तो अब आज के मीडिया के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी, एजुकेशन इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप पर तो इंफॉर्मेशन मिलती है। और ज्यों ज्यों बुद्धि डेवलप होती है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस जो है वो राइट और रॉन्ग को, जब उसमें चाहिए बुद्धि का राइट यूज। तो विजडम क्या है?
वो सोल की जो रियल एनर्जी है, खाली ब्रेन नहीं, खाली ब्रेन को हम यूज करते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल होते हैं, हम क्लेवर बन जाते हैं, शार्प इंटेलेक्ट है, स्किल्ड है, हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं, सोशल बिहेवियर में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, परंतु विजडम जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो इंटरनल डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट है, इनर ग्रोथ है, इनर रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस है। तो वो सोल की एनर्जी है जो जो न केवल राइट और रॉन्ग को समझने की बात है, परंतु थॉट एनर्जी भी उसके साथ ही है, थिंकिंग। तो विजडम तीन चीजों की इनपुट है प्रैक्टिकल में, पॉजिटिव थॉट्स, क्लियर अंडर थिंकिंग, कंफ्यूजन वाली थिंकिंग नहीं। उसमें जब थॉट बड़े क्लियर है, माइंड बिल्कुल क्लियर है, स्टिल पीसफुल। तो जब जिस समय पीस है, स्टिलनेस है, तो वो ऐसे ही है जैसे कि क्लीन लेक, क्लीन वाटर। वो क्लीन लेक में रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, कोई चीज बिल्कुल आकाश में भी हो ना, उसका भी रिफ्लेक्शन लेक में दिखाई पड़ता है। आसपास की बिल्डिंग बड़ी ऊंची ऊंची हैं, ऐसे ऊपर नहीं देखना पड़ता, परंतु उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल उस पानी में ही है, जैसे वो मिरर का कार्य करती है। मिरर क्लीन, क्लीन पीसफुल माइंड बिल्कुल एक मिरर बन जाता है अपने थॉट्स की क्रिएटिविटी के लिए। और क्रिएटिविटी अथवा थॉट्स सीड है, और बुद्धि जो है वो फार्मर है, उस थॉट को जैसे फार्मर को सपोर्ट किस प्रकार सस्टेन करना है, उसको सीजन का पता है, इंडोर प्लांट्स है कि आउटडोर आउटडोर प्लांट है, पानी कितना चाहिए, हीट कितनी, सनशाइन कितना चाहिए, वो उसको बिल्कुल प्यार से संभालता है, तो उसकी फसल बहुत सक्सेसफुल होती है, सफल होती है, सफल। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे कर्म, हमारे एक्शन फ्रूटफुल होते हैं, सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं, जब हमारे पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और समझ है कि मुझे सोचना है तो किस हिसाब से सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, क्लियर थिंकिंग। तो वो हम एक ऑब्जर्वर होकर के जब देखते हैं तो अपने एक्शन को राइट डायरेक्शन, थॉट्स को पहले राइट डायरेक्शन देते हैं तो एक्शन राइट होता है। अगर थॉट्स को, हमारी थिंकिंग पावर को हमने राइट रीति से डिसीजन नहीं लिया तो थॉट्स एक्शन के बाद डिससेटिस्फेक्शन होती है, रिपेंटेंस होती है, अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है, रिजल्ट में क्या है कि दूसरे वातावरण जो है क्रिटिसिज्म आता है, गिल्टी फील होती है, तो वो एनर्जी और ही हमारी यूज क्या लूज होना शुरू होता है। इसलिए विजडम क्या है, पहले से ही उस चीज़ को राइट डायरेक्शन देना। और जब स्पिरिचुअल विजडम की बात आती है तो स्पिरिचुअल विजडम सोल कॉन्शियस, यानी मैं आत्मा कॉन्शियस हूँ कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी कौन सी है, सोल की पॉजिटिव पावर क्या है। ऐसा नहीं कि भाई शांति में सिर्फ बैठ जाऊं, नहीं, थॉट्स को मैं जितना जितना धीरे से, धैर्य से, पेशेंस, थॉट है, डिजायर है कोई एक्शन की और मैं इम्पेशेंट हूँ तो क्या होगा कि वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए थॉट्स की भी फीलिंग, थॉट्स को पीसफुल बनाओ, पॉजिटिविटी के साथ साथ पेशेंस चाहिए,
जैसे फार्मर के पास पेशेंस है कि राइट टाइम पर ठीक निकलेगा, तो इसलिए जैसे जैसे डेवलप होती जाती है फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते जाते हैं, ऐसे सोल कॉन्शियसनेस ने सोल कॉन्शियस में सोल की एनर्जी राइट रीति से यूज होती है। और सोल की एनर्जी है माइंड की एनर्जी, थिंकिंग पावर, और उसमें उसकी जो स्टिलनेस कूलनेस है वो पीस है, पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड में हम एक जो अपनी जो एनर्जी थॉट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको ये खुशी दे रहा है, हमको हमको कॉन्फिडेंस है कि जो हम कार्य करने वाले हैं वो राइट है। तो थॉट्स में नॉलेज भी भर जावे, बिना बिना ज्ञान के थिंकिंग करना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। डर से कुछ डाउट से किया तो वो पहले से ही जैसे कि बीज में हमने कीड़ा डाल लगा दिया तो उगेगा नहीं। तो डाउट नहीं, बुद्धि क्लियर है तो निश्चय बुद्धि कॉन्फिडेंस, आत्मा को अंदर समझ है कि मैं जो कर रहा हूँ राइट करना है, राइट सोचना है, और इंट्रोस्पेक्शन इनर इंस्पेक्शन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि का कनेक्शन सुप्रीम सोल से चाहिए, बुद्धि में क्लैरिटी चाहिए। तो बुद्धि क्या है? बोध, विजडम। तो जब हमारा कनेक्शन विजडम ऑफ वाइज डिवाइन सुप्रीम फादर से जुटा हुआ है, परमपिता परमात्मा से जुटा हुआ है, तो वो ज्ञान का सूर्य है। जैसे कोई चीज अगर हम लाइट में देखते हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है, तो ज्ञान की लाइट है। नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट एज वेल। तो विजडम जो है, अगर कोई चीज रॉन्ग हो भी गई है तो रॉन्ग है इस प्रकार नहीं, रॉन्ग को राइट कर देती है। क्रिटिसिज्म में एनर्जी वेस्ट नहीं करती, गिल्ट में अपने आप को और ही जो है वो डिप्रेस नहीं कर लेती, रियलाइज करती है कि अभी मुझे इसको और आगे जो जहाँ रॉन्ग हुआ है ना वहाँ मुझे राइट करना है। इसलिए अपने आप की पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करते करते आई एम अ प्योर पीसफुल पावरफुल सोल। तो वो पावर क्या है? पावर है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है विजडम ऑफ वाइज, बुद्धिमानों का बुद्धिमान। तो वो सत्य बुद्धि देता है जिसमें व्यर्थ चिंतन नहीं होता, पर चिंतन नहीं होता, दोष दर्शन नहीं होता, डाउट नहीं होता है, डिटर्मिनेशन होती है। अपना भी मेरा भला है, दूसरे का भी भला होता है। तो विजडम का मतलब है कि ना खुद को हार्म पहुंचाए, ना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, अपनी भी सेफ्टी हो दूसरे की भी सेफ्टी हो, स्वयं का भी कल्याण हो दूसरे का भी भला हो। तो जब जहां जहां प्राप्ति हो रही है तो वो हमेशा क्या होगा, वो बढ़ोतरी होगी। वाइज पर्सन छोटी चीज को लोहे को भी सोना बना देता है, अब फार्मर मिट्टी को हीरा बना देता है, पत्थर को हीरा बना देता है। तो क्या चाहिए? अपने पर मेहनत चाहिए। कौन सी मेहनत? श्रेष्ठ कर्म करने की। तो वाइज पर्सन सिर्फ बोलता नहीं है, वाइज पर्सन करके दिखाता है। विजडम क्या है? वो अपनी स्पेशलिटीज को प्रेजेंट करता है व्यवहार में। इसलिए बुजुर्गों की गाइडेंस बड़ी वाइज कही जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने जीवन में हानि लाभ निंदा उस्तति हर बात को सहन करते हुए एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के रहा है। तो विजडम अपनी सेफ्टी रखता है। विजडम क्या समझो, मानो अगर हमको छोटी छोटी बात में भी समझ और विजडम की बात है, छोटे बच्चे को समझ दी जाती है, बाहर जा रहे हो ना ठंड है,
गर्म कपड़ा पहन के जाओ। अच्छा बरसात है ना, छतरी लेके जाओ। अब छतरी ले जाए तो छतरी लेके गए और छतरी को खोला नहीं तो धूप भी लगेगी, छतरी होते हुए भी धूप में तपेंगे, छतरी होते हुए भी बरसात में गीले हो जाएंगे। तो यूज करने की बात है ना, तो साधन बहुत हैं। जब आज तो साधन दुनिया में बहुत हैं, जितनी जितनी साधना यानी अंदर अपने आप से सिद्धि और साधना बढ़ती जाती है उतनी उतनी विजडम बढ़ती चली जाती है। इसलिए पुराने जमाने में गुरुकुल में गुरु मतलब लाइट देने वाला, तो किसी किसी भी लाइट नॉलेज देने वाले को गुरु जी कहते थे, ऋषियों को बुद्धि देने वाले कहे जाते थे, साधु साधना करने वाले सत्य ज्ञान देने वाले माने जाते थे। तो हम अपने जीवन में विजडम का मतलब क्या है कि जो परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटा, योग जुटा, तो हमारे अंदर एकाग्रता आ जाएगी। एक ही आज्ञा का पालन करना कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा की श्रीमत, हम आत्मा के अंदर वो पावर भरती है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो विजडम क्या है? व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन नहीं, दोष दर्शन नहीं। ऐसे नहीं कि हम दोष देख करके दूसरों को करेक्ट करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, वो क्लेवरनेस है पर विजडम नहीं है। विजडम क्या है? हृदय के अंदर शुभ भावना पहले भरना, हृदय को शुद्ध रख करके फिर उनके लिए किसी आत्मा को सहयोग देना। तो हम अगर जो न्यू एरा हम बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं, अपने मन को भी सिखाना चाहते हैं, तो पहले अपने लिए भी शुभ भावना, दूसरों के लिए भी शुभ कामना। तो नई सृष्टि को अगर हमको लाना है तो अपने अंदर प्योरिटी, शुद्धता भी, पवित्रता भी, शुभ भावना भी, कल्याण की भावना, प्रेम उसमें भरा हुआ होता है। विजडम में कंट्रोल नहीं होता, विजडम में प्रेम होता है, विजडम में क्रिटिसिज्म नहीं होता, विजडम में गाइडेंस होती है, विजडम में अधैर्यता नहीं है, धैर्यता होती है, विजडम में विजन बड़ा ऊंचा होता है। तो विजडम क्या है? विजडम इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस में क्या अंतर है? क्लेवर व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा करेगा, प्रशंसा सुनना चाहेगा, कोई नहीं करेगा तो सिद्ध करेगा कि जो मैंने कहा वो राइट है। इंटेलिजेंट जो है वो थोड़ा प्रेजेंट इस तरह से करेगा, उसको लगेगा कि अप्रिशिएट करेगा दूसरे की बात पर, अप्रिशिएशन चाहेगा भी सही। विजडम बड़ी गंभीर है, विजडम गंभीरता का नाम है, विजडम गुणग्राही है। इसलिए सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, हंस की सवारी कहा जाता है। तो विजडम गुण देख रहा है और गुण दे रहा है, परंतु उसकी वैल्यू को जानते हुए ऐसे ही नहीं दे देता, पूछने पर देता है। तो इसलिए विजडम मीन्स कल्याणकारी, विजडम मीन्स दिव्यता। तो स्पिरिचुअल विजडम तभी पॉसिबल है डेवलप करना जब हमारा संबंध विजडम ऑफ वाइज, बुद्धिमानों के बुद्धिमान परमपिता परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा की महिमा है, सबको सुमति दे भगवान, श्रेष्ठ मत देने वाला एक परमात्मा है। तो उनके साथ परमपिता परमात्मा के साथ जितना जितना हमारा बुद्धि का योग जुटा हुआ है उतना ही हम बुद्धिमान बनते हैं, गुणवान बन जाते हैं, सम्मान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं। बुद्धिमान स्वमान दूसरों को भी देता है और सम्मान में रहता है, अभिमान वाले के अभिमान से अपमानित नहीं होता, साक्षी दृष्टा रहता है, क्योंकि गंभीरता है फिर भी स्नेह है, क्षमा भाव है और क्षमता है। बुद्धि से क्षमता बढ़ती है कर्म करने की भी और सहन करने की भी। ओम शांति।